छह बज गए। अरे यार क्या बेहतरीन सपना आ रहा था भाई। सब जा रहा हूँ लंबे बाइक ट्रिप पर। एक काम करते हैं, जब सपना देख ही जाए तो चलते हैं लंबे बाइक ट्रिप पर। चलो मैं रेडी होता हूँ यार। तो दोस्तों, जितने में मैं रेडी होता हूँ उतने में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी उस बाइक ट्रिप का जो चालू हो चुकी है, अभी तक की मेरी सबसे लंबी बाइक ट्रिप, जिसमें मैं ये करने वाला हूँ कि जाएंगे हम पूरा फरीदाबाद से तमिलनाडु में राम सेतु तक। लेकिन डायरेक्टली नहीं, हम शुरू भी वहीं से करेंगे जहाँ से भगवान राम ने अपना वनवास शुरू किया था, बोले तो अयोध्या। और हम भी वहाँ वहाँ जाएंगे जहाँ जहाँ वो रुकते हुए गए थे। अब भैया गजब ही मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई लोग, हम सब इकट्ठे शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी, बोले तो जहाँ जहाँ चले श्री राम, अ बाइक ट्रिप फ्रॉम अयोध्या टू राम सेतु। अच्छा चलो। अच्छा जी, अयोध्या से लेकर राम सेतु तक का ट्रिप, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कितना मजा आने वाला है इस जर्नी में। ये राम जी की यात्रा कोई आसान तो है नहीं। राम जी भी अपनी यात्रा बजरंगबली की मदद के बिना पूरी नहीं कर पाए थे, तो मैं तो फिर चीज ही क्या हूँ, इनकी कृपा बिना तो अपने से ये काम हो ना पाएगा। इसलिए घर से निकलते ही सबसे पहले इनके दर्शन करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ अपनी जर्नी पर। जय बजरंगबली। चलो अब करते हैं अपना ट्रिप स्टार्ट। 9:25 हो गए हैं। एज यूजुअल मैं अपने स्केड्यूल टाइम से बहुत लेट हूँ। आइडियली 6 से पहले निकल जाना चाहिए ताकि सिटी वगैरह का ट्रैफिक अवॉइड हो जाए, बट ऐसा मैं कर नहीं पाया। अब इसके दो रूट शो कर रहा है, एक तो है कि मैं पलवल से आगे मथुरा होता हुआ जाऊँ, फिर शायद वो यमुना एक्सप्रेस वे मेरे को पकड़वा देगा। दूसरा रूट है सीधा यहीं से नोएडा एक्सप्रेस वे पकड़ता हुआ आगे यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ लो, और उसके बाद फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे से होता हुआ अयोध्या। तो मैं सोच रहा हूँ बेटर है कि सीधा एक्सप्रेस वे से ही निकल लेता हूँ, एकदम बढ़िया से शूट एंड शूट निकल लूँगा। अब सबसे पहले तो भरवाते हैं भैया पेट्रोल, टैंक कराते हैं फुल। 9672 नॉर्मल पेट्रोल है ना? बहुत है। 1160-64 लो भैया, ये गले तक भरा है मैंने इसको, 12 लीटर पूरा। अब भैया रास्ता मैं पकड़ता हूँ नोएडा एक्सप्रेस वे से होता हुआ सीधा यमुना एक्सप्रेस वे का, क्योंकि बिल्कुल मक्खन रास्ता है। तो जी आ गया भैया पहला टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेस वे का, और 2-व्हीलर का भी यहाँ पे चार्ज लगता है। भाई साहब आगरा तक का तो 205 रुपये है यार। यार यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हो ही गया है, तो मैंने ना यहाँ पे रुकना भी, अरे वॉशरूम भी बना हुआ है यहाँ पे, ज़रा सुसु भी कर लेता हूँ। और पॉइंट ये है साला, थोड़ी ठंड लगने लग गई है, तो एक मैं एक्स्ट्रा स्वेटशर्ट लेके आया हूँ, वो पहनी जाए। जी बालों की तो लग जाती है बत्ती बाइक चलाते चलाते। एनीवेज यमुना एक्सप्रेस वे पे आते ही ना ठंड थोड़ी ज़्यादा लगने लगी, और आज सुबह से मौसम भी ऐसा है कि बिल्कुल धूप नहीं निकली है, तो इस चक्कर में मैं ये जो एक्स्ट्रा स्वेटशर्ट लेके आया हूँ ये पहन के अब आगे काम चलाएंगे। एवरेज इसकी 39.8 आ रही है, जबकि मैं अभी जाम वगैरह में भी फंसा था बीच में दिल्ली में सुबह में। हाईएस्ट एवरेज आज पता लग जाएगी कि इसकी क्या हो सकती है। ट्रिप ए को मैंने जीरो कर दिया, ट्रिप ए की एवरेज चेक करेंगे। अब अगला 1.5 घंटा में ड्राइव करने वाला हूँ इसको। कंडीशन यही है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करना है अपन ने, उसमें देखते हैं कि क्या एवरेज निकल के आती है। भैया ऐसा है कि देखो 5वें गियर पे चल रही है और वही 75 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है, मैं 70 से 75 के बीच में ही दौड़ रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। भैया सामने देख रहे हो, ऐसे लग रहा है एकदम से यहाँ पे फॉग पड़ रही है। वैसे तो कॉन्टिन्यूसली हल्की सी फॉग है, लेकिन सामने देख के तो ऐसे लग रहा है बोर्ड क्रॉस होते ही एकदम से डेंस फॉग हो रही है। पिछले करीब 1.25 घंटे से मैं कंटिन्यूअसली 70 से 75 की स्पीड पर ड्राइव कर रहा हूँ। 99.9 किलोमीटर्स हो गए हैं। अब ज़रा 100 होते ही ना साइड में रुक के देखते हैं कि इस ट्रिप की एवरेज कितनी आ गई। लेट्स सी 40 की एवरेज, इस बाइक के सेगमेंट के हिसाब से 40 एक अच्छी एवरेज है यार। नो कंप्लेंट्स, आई एम हैप्पी। और बाइक चलाने का आ रहा है मज़ा। ये जो हल्की हल्की फॉग है, हल्की हल्की धुंध है, ये भैया अपनी बॉडी में धीरे धीरे जगह बना रही है और ठंड बढ़ाती जा रही है। अपन रुकेंगे सीधा आगरा पहुंच के, 43 किलोमीटर्स रिमेनिंग। बहुत टकाटक चल रहा है मामला। भैया अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से। इसकी कंपनी फिटेड लाइट है वो ये है, तो मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी।
लेकिन उसका जुगाड़ अपन ने कर लिया। अब मैं ऑक्सीलरी लाइट लगवा के लाया हूँ ना, वो ऑन करता हूँ। पड़ता ये, हाँ ठीक है, मैंने ऑक्सीलरी लाइट भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगवाई, बस इतनी लगवाई है कि जो ऑलरेडी जो कंपनी की लाइट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कर रही है अच्छे से। अब ये लाइट सफिशियंट है। आगरा घुसते ही पंछी पेठा, ये है आगरा की पहचान, पेठा फेमस है यहाँ का। पंछी पेठा ओरिजिनल वाला कौन सा, ये तो हमें पता लगता नहीं भैया। भोजनालय पे क्या भोजन कर लिया जाए, पहले मैं पूछता हूँ यहाँ से होटल वगैरह किधर है। यार ये आगरा पहुँचते पहुँचते ठंड से हालत हो गई ख़राब, और ठंड का अंदाज़ा आप ये कैमरे पे पड़ी ओस की बूंदों से लगा सकते हो। तो सबसे पहले एक गर्मा गर्म चाय लेता हूँ, और उसके बाद उसी भोजनालय वाले से पूछता हूँ किसी होटल का। वो मुझे पास में होटल ताजवे में रूम दिला देता है 800 रुपये में। तो पहले दिन का सफ़र होता है यहाँ पे कंप्लीट। आगरा में आज मैं रुका हूँ, एक्चुअली निकलने में बहुत लेट हो गया था, इस चक्कर में सिर्फ आगरा तक ही पहुँच पाया हूँ। होटल ठीक ठाक सा है, ये 800 रुपये का रूम है, ये मतलब ठीक है, एवरेज रूम है, और मेरे ख्याल से इससे 800 रुपये से तो कम खैर क्या ही मिलेगा। कोई रूम हाइजीन वगैरह मेंटेन्ड है, नीट एंड क्लीन रूम है। अब आज का दिन थोड़ी थकान के चलते आराम फर पाता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठ के निकल लूँगा आगे अयोध्या। लेकिन अभी तो जर्नी शुरू हुई है, जर्नी के साथ साथ कोई ना कोई लोचा भी चलता ही रहेगा। तो अगले दिन के लोचे अगले वीडियो में देखते हैं दोस्त।